दोस्तों, बॉलीवुड अदाकारा करिश्मा कपूर ने 90 की दिहाई में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी से कमाल किया था, लेकिन कारोबारी संजय कपूर से उनकी शादी 11 साल ही चल सकी। इस तलाक के बाद करिश्मा और संजय दोनों की तरफ से एक दूसरे पर कई इल्ज़ाम लगाए गए। 90 की दिहाई में बड़े पर्दे पर राज करने वाली अदाकारा करिश्मा कपूर ने अपनी अदाकारी से सभी को मुतासिर किया था। कॉमेडी हो, ट्रेजिडी हो या रोमांस, करिश्मा कपूर ने हर फ्लेवर की फिल्में की और नाजरीन की तारीफें हासिल की। लेकिन करिश्मा की प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी शानदार थी, मगर ज़ाती ज़िंदगी में उन्हें कई मर्तबा धोखा मिला। अभिषेक बच्चन से पूरी दुनिया के सामने रिश्ता तय होने और मंगनी का ऐलान होने के बाद भी करिश्मा बच्चन कुंबे की बहू ना बन सकी। अपने कैरियर की बुलंदियों पर होते हुए करिश्मा ने संजय कपूर से शादी का फैसला कर लिया, लेकिन उस शादी से खुद को अलग करने के बाद करिश्मा कपूर ने जो इंकशाफात किए वो इंतहाई चुका देने वाले थे। करिश्मा कपूर ने दिल्ली के कारोबारी संजय कपूर से 20 सितंबर 2003 में शादी की थी। उस शादी में करिश्मा 11 सालों तक रहीं और 2014 में दोनों ने आपसी रजामंदी से तलाक के लिए अर्जी दी और उन्हें 2016 में तलाक मिल गया। ताहम तलाक के बाद जब करिश्मा ने अपनी खामोशी तोड़ी तो वो चुकाने वाला था। करिश्मा कपूर ने तलाक के 4 साल एक वेब पोर्टल पर इंटरव्यू में बताया था कि उनकी सास उन पर हाथ उठाया करती थी और उनका शोहर करिश्मा के खर्चों का सारा ब्यौरा अपना भाई को देता था। करिश्मा ने इस इंटरव्यू में बताया था कि संजय ने उनसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अदाकारा थी। करिश्मा ने कहा कि जब हम हनीमून पर गए थे, संजय ने मेरी बोली अपने दोस्तों से लगाई थी। उसने मुझे अपने दोस्तों के साथ एक रात गुजारने पर भी मजबूर किया। करिश्मा के मुताबिक संजय मुझे बहुत मारा करता था और मैं अक्सर उन सभी जख्मों को अपने मेकअप से छुपाया करती थी। करिश्मा ने कहा कि जब चीज़ें मेरे हाथ से बिल्कुल निकल गईं और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तब मैंने पुलिस में शिकायत की। वहीं अपनी बेटी की इस शादी पर वालिद रणधीर कपूर ने बताया कि वो कभी नहीं चाहते थे कि करिश्मा और संजय की शादी हो। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने कहा था कि सभी हमारे ख़ानदान के बारे में जानते हैं, हम कपूर हैं, हमें किसी के पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि संजय एक घटिया आदमी है, मैं कभी नहीं चाहता था कि करिश्मा उससे शादी करे। उसने अपनी बीवी की कभी परवाह नहीं की, वो अपनी बीवी की बेइज्जती कर रहा था और दूसरी औरत के साथ रह रहा था। बता दें कि तलाक की अर्जी में संजय ने इल्ज़ाम लगाया था कि करिश्मा एक अच्छी माँ नहीं है और उसने सिर्फ पैसे के लिए संजय से शादी की थी। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।